हेलो गाइस, वेलकम बैक अगेन गाइस। जैसा कि आप थंबनेल में देख सकते हैं, आज हम बात करने वाले हैं बंद क्रम जानने की ट्रिक। बहुत ही कंसेप्ट से देखेंगे और हमेशा क्वेश्चन आ जाता है, जैसे आप पूरा अगर बेसिक से करते हैं तो कई बार बहुत ज़्यादा टाइम खींच जाता है, और आपके अगर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है जैसा कि नीट में आता है क्वेश्चन, तो वहाँ पर बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाती है आपको क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए। तो यहाँ पर हम देखेंगे कंसेप्ट के साथ में ही बहुत अच्छे से, जिससे आप ट्रिक के द्वारा बहुत तीव्र गति से अपना आंसर दे पाते। तो सबसे पहले आपको ध्यान रखना है बंद क्रम के लिए कि जिसका बंद क्रम ज़्यादा होगा उतना ही उस अणु का स्थायित्व ज़्यादा होगा। जितना बंद क्रम ज़्यादा होगा उसकी बंद लंबाई उतनी ही कम होगी, ठीक है। ये जो संबंध है ये भी आपको पता होना चाहिए कि बंद क्रम ज़्यादा होने पे बंद लंबाई कम हो जाती है और अणु का स्थायित्व है वो बंद क्रम ज़्यादा होने पे बढ़ जाता है। ये समानुपाती है, जबकि ये कैसा है, इसके व्युत्क्रमानुपाती है। एक तो ये चीज़ ध्यान रखनी है जिससे आपको पता चल पाए। कई बार क्वेश्चन आ जाता है कि आपको तीन या चार अणु दे दिए जाएंगे और उनका बंद क्रम आपको पता करके बताना पड़ेगा, उनके स्थायित्व का क्रम, आरोही या अवरोही क्रम, ठीक है। तो यहाँ पर मैं आपको बताता हूँ कि एक तो आपको ध्यान रखना है यहाँ पे संयोजी इलेक्ट्रॉन क्या होता है। देखिए, किसी भी तत्व या परमाणु में बाह्यतम कोश में जो इलेक्ट्रॉन होते हैं, आउटर सेल में जो इलेक्ट्रॉन होते हैं, उनकी संख्या को आप क्या बोलते हैं, संयोजी इलेक्ट्रॉन कहते हैं। जैसे मैं यहाँ पे एग्जाम्पल लेता हूँ नाइट्रोजन। नाइट्रोजन का मुझे इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पता है 1s2 2s2 2p3। इसका बाह्यतम कोश कौन सा है, आउटर सेल दूसरा। इसमें टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 5। तो यहाँ पे संयोजी इलेक्ट्रॉन कितने होंगे, ये आपको ध्यान रख के चलना है, तभी आप बंद क्रम की ट्रिक को समझ पाएंगे अच्छे से। अब जैसे अगर आप पूरे बेसिक से जाएंगे तो उसकी मैं वीडियो की लिंक दे दूंगा, वहाँ से आप बेसिक से समझ सकते हैं, लेकिन यहाँ पे हम ट्रिक से देखेंगे जिससे आपके ऑप्शनल जो क्वेश्चंस हैं वो बहुत जल्दी सॉल्व आप कर पाए। तो आपको ध्यान रखना है कि मान लीजिए आपके पास में संयोजी इलेक्ट्रॉनों की संख्या आती है 10, मान लीजिए 10 इलेक्ट्रॉन मानिए संयोजी इलेक्ट्रॉनों की संख्या। तब आपको ध्यान रखना है कि 10 संयोजी इलेक्ट्रॉन है तो वहाँ पर बंद क्रम आपका कितना होगा, हमेशा 3 होगा। कितना होगा, 3 होगा। जैसे ही हम ऊपर बढ़ेंगे 11, 12, 13, 14, 15, 16, तो आपको 0.5 कम करते चलना है, ठीक है। तो 10 पे अगर 3 है तो 11 पे 0.5 कम करने पे 2.5 हो जाएगी, 12 पे 2 रह जाएगी, 13 इलेक्ट्रॉन होने पे 1.5 रह जाएगी, 14 पे 1 हो जाएगी, 15 पे 0.5 हो जाएगी, 16 पे 0 हो जाएगी, ठीक। ऐसे आपको ध्यान रखना है कि अगर किसी के बाह्यतम कोश में 15 इलेक्ट्रॉन है तो 0.5 होगी, अगर 16 हो जाते हैं तो उसमें बंद क्रम 0 हो जाएगा। उसी तरह से अगर आपके पास में 9 है तो कितनी हो जाएगी, 2.5 हो जाएगी। अगर 8 इलेक्ट्रॉन है कितनी हो जाएगी, 2 हो जाएगी। 7 है तो 1.5 हो जाएगी। 6 है तो 1 हो जाएगी। 5 है तो 0.5 हो जाएगी। अगर 4 इलेक्ट्रॉन है तो कितनी हो जाएगी आपके पास में, 0 प्राप्त हो जाएगी। अगर आपके संयोजी इलेक्ट्रॉनों की संख्या 4 है तो वहाँ पे आपको 0 प्राप्त हो जाएगी। आपको केवल एक बेसिक इलेक्ट्रॉन ध्यान रखने हैं कि 10 संयोजी इलेक्ट्रॉन है तो उसका हमेशा बंद क्रम 3 आएगा। अगर 3 से आप ऊपर चलते जाएंगे तो 16 इलेक्ट्रॉन तक ध्यान रखना है 0 हो जाएगा, और कम आते जाएंगे तो भी 0.5 आपको कम करते चलना है, तो 4 पे आप आके आप 0 हो जाते। आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा इन्हीं इलेक्ट्रॉनों के आधार पे, आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा। एक पूछा जाता है अगर आपके परमाणु के पास के संयोजी इलेक्ट्रॉन 1 है, 2 है, 3 है, तो बंद क्रम कितने होंगे। अगर 1 है तो उसमें बंद क्रम आपको ध्यान रखना है 0.5। अगर 2 है तो ध्यान रखना है 1 होता है। अगर 3 है तो बंद क्रम कितना होगा, 0.5। ये ध्यान रखना है, ये आपको डायरेक्टली रखना पड़ेगा। इससे आप माइंड में सेट कर लीजिए कि अगर एक संयोजी इलेक्ट्रॉन है तो 0.5 होगा,
दो है तो एक होगा, तीन है तो 0.5 होगा। अब आपसे क्वेश्चन पूछते हैं, जैसे ये हमने ध्यान रख लिया, पर अब मैं आपसे पूछूं कि नाइट्रोजन का बंधन कितना, नाइट्रोजन का कितने हैं सहजी इलेक्ट्रॉन, 5। परमाणु में इलेक्ट्रॉन 5 है, जबकि अणु जो दो परमाणु से मिलकर बना है उसमें कितने हो जाएंगे, 10 इलेक्ट्रॉन सहजी, इसलिए इसका क्या होता है बंधक्रम 3 होता है। इसी को लेके, बंधक्रमों को लेके आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है एक यौगिक में बंधक्रम, वो आपको ध्यान रखना है। जैसे आपसे पूछ लिया जाए, मैं सीरीज कर देता हूँ, ओके, आपसे पूछ लिया जाता है कि एनओ में बंद क्रम बताइए। देखिए आप क्रम से करेंगे बिना किसी ट्रिक के तो आपको बहुत लेंथी हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। आपको इलेक्ट्रॉन भरने पड़ेंगे नीचे से, 1s से, सिग्मा 1s से लेके, तो यहाँ पे आपको डायरेक्ट ध्यान रखना है कि नाइट्रोजन और ऑक्सीजन दोनों के सहजी इलेक्ट्रॉन याद के लिए, नाइट्रोजन में होते हैं सहजी इलेक्ट्रॉन 5, जबकि ऑक्सीजन में होते हैं 6, टोटल कितने हो गए 11 इलेक्ट्रॉन, और 11 इलेक्ट्रॉन होने पे बंधक्रम कितना आ रहा था, 2.5। देख लीजिए कितना फास्ट हुआ है। आप तो केवल ये ध्यान रखना है कि 10 पे 3 होती है, बाकी आप नीचे चलते जाओगे तो 0.5 कम होती जाती है बस, और 1, 2, 3 का ध्यान रखना। उसके बाद में एक और क्वेश्चन ले लेते हैं हम इसे इरेज करके। एक और क्वेश्चन करते हैं हम, जैसे आपसे पूछा जाता है 3-4 अणु दे दिए जाते हैं, सेम ऑक्सीजन दे दिया जाता है, O2 प्लस दे दिया जाता है, O2+2 दे दिया जाता है, O2- दे दिया जाता है, O2-2 दे दिया जाता है। अब इन पांचों अणुओं में जो आयनिक अणु हैं इसमें आपको बताना है कि इनकी स्थायित्व का क्रम किस तरह से होगा, इनके बंध क्रम आपको पता होंगे तभी आप इनके स्थायित्व बता पाएंगे। ऑक्सीजन का तो आपको मान लीजिए, ऑक्सीजन में सहजी इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं बताइए, 6 होते हैं, तो इसमें कितने इलेक्ट्रॉन हो गए टोटल 12, तो 12 जहाँ पे हैं उसमें बंध क्रम कितना आ रहा था, 2, ये हमें पता चल गया। अब यहाँ पे देखिए +1 का निशान है, यानी कि इसने एक इलेक्ट्रॉन त्याग दिया, तो सहजी इलेक्ट्रॉन कितने बचेंगे, 11, 11 होने पर कितना था बंधक्रम 2.5। इसने 2 इलेक्ट्रॉन त्याग दिए हैं यानी कि इसमें सहजी इलेक्ट्रॉन कितने बचे हैं, 10, ओके, इसका कितना आ जाएगा 3। अब देखिए इसमें एक इलेक्ट्रॉन इसने ले लिया है, जबकि तो ऑक्सीजन में सहजी इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं 5, इस तरह से टोटल मिला के इसके आगे कितना हो गया 2.5। इसने कितने इलेक्ट्रॉन ले लिए, वैसे तो ऑक्सीजन में 5 होते हैं, 5 × 2 करो 10, 2 इलेक्ट्रॉन इसने ग्रहण कर लिए, 12, तो इसका कितना हो गया 2। इसका आप स्थायित्व तो बता सकते हैं कि सबसे ज्यादा तो O2+2 का, ओके। फिर आपके O2+ O2- इन दोनों का बराबर है 2.5, उसके बाद में O2-2 बराबर है O2 के, तो आपको स्थायित्व तो पता चल गया, इन दोनों का कितना था 2 था, इनका 2.5, इसका 3 बंधक्रम, तो ये आपके हो गया क्रम, बढ़ता हुआ क्रम है। सबसे ज्यादा किसकी है, जिसका बंधक्रम सबसे ज्यादा है उसका स्थायित्व तो भी सबसे ज्यादा होगा, ठीक है। एक और एग्जांपल ले लेते हैं हम, ओके। अगर आपसे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि आप बताइए NO+ में बंधक्रम कितना होगा, तो इसमें आपको दोनों परमाणुओं के लिए अलग अलग से सहजी इलेक्ट्रॉन ज्ञात करने पड़ेंगे। नाइट्रोजन में कितने होंगे, वही 5 होंगे, जबकि ऑक्सीजन पे प्लस का परमाणु दिखाई दे रहा है, ऑक्सीजन पे प्लस यानी कि इसमें पहले तो 6 थे लेकिन इसने एक इलेक्ट्रॉन त्याग दिया, तो अब कितने बचे, 5 बचे, टोटल कर लीजिए कितने हो गए 10 इलेक्ट्रॉन। 10 इलेक्ट्रॉनों के लिए बंध क्रम कितने दे रखे हैं मैंने, 3, इसके लिए बंध क्रम आ जाएगा 3। इस बेसिक सी ट्रिक के द्वारा आप पता कर पाएंगे किसी भी
आयनिक यौगिक हो, कोई भी परमाणु हो, अणु हो, सभी का बंधकर्म आप पता कर पाएंगे, एक से लेके 16 इलेक्ट्रॉन, ठीक है, जिसमें एक से लेके संयोजी इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 16 हैं, उसमें आप इजीली बंधकर्म पता कर, अगर आपको बंधकर्म पता है तो आप बता सकते हैं कि अणु का स्थायित्व ज्यादा होगा, बंध लंबाई। ये एक छोटी सी ट्रिक के साथ में मैंने बंधकर्म बताया है, आई होप आपको समझ में आया होगा। अगर अभी भी कोई कंफ्यूजन है तो कमेंट में जरूर बताएं। थैंक्स।